हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बड़ी सिंपल सी और अच्छी सी सब्ज़ी बना के तैयार करेंगे और जो खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। और मैं बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। इसको कोई भी बना के खा सकता है और बेसिक मसालों से ही मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, क्योंकि कोई भी बच्चा बाहर अलग रहता हो या अकेले रहता हो तो वो बना के इस प्रकार की डिश खा सकता है, क्योंकि मैं बड़ी सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई फालतू झंझट में करती ही नहीं हूँ। तो दोस्तों, करना क्या, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर ये तो हर घर में होते ही हैं। और तो मैं पहले प्याज को काटूंगी लंबाई में, और लंबाई में काटने के बाद क्या करेंगे, ये चाप हैं इनको मैं अच्छे से पानी से धो लिया है 2-3 बार। उसके बाद मैं निचोड़ लूँगी इनका सारा पानी और इनको काट के रख लेंगे। और एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसमें डाल देंगे ये चाप। चाप को हल्का सा भून लेंगे दोस्तों, ना इसमें कोई मलाई डालेंगे ना कोई क्रीम डालेंगे, इस प्रकार ही बना के खाएंगे जो बहुत अच्छी बन के तैयार होती हैं और फालतू झंझट करेंगे ही नहीं। उसके बाद ये मतलब सारी चाप को मैंने भून लिया था। उसके बाद क्या करेंगे, प्याज और हरी मिर्च को इकट्ठा ही डाल देंगे, और थोड़ा सा भूनने के बाद उसमें डाल देंगे टमाटर, और इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ज़्यादा बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कुछ लोग बिल्कुल भून लेते हैं उसके बाद फिर टमाटर डालते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी सारी वो खुशबू जो होती है वो उड़ जाती है, टेस्ट नहीं आता खाने में। तो हल्का हल्का हर चीज़ को भूनना है। उसके बाद भुनी हुई ये मतलब तली हुई चाप आप लोगों ने इसमें डाल देनी है, और ये अच्छे से इसका मसाला इसमें आ जाएगा। और उसके बाद बेसिक मसाले जो होते हैं आप घर में, लाल मिर्ची, हल्दी और नमक होता है स्वाद के अनुसार, गर्म मसाला होता है, और आपका थोड़ा जीरा अजवाइन जो भी आपके पास होता है वो आप इसमें डाल दीजिए। मैं क्रीम नहीं डालने की कहूँगी कि क्रीम नहीं डालना, और ये बन के तैयार हो जाती है इतनी स्वादिष्ट ये सब्ज़ी। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर किया करें।